हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं, देखेंगे ये 15 दिन आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, ओम नमः शिवाय। Eight of Swords. King of Swords, Nine of Wands, King of Cups, Death, Okay, Moon, okay, Moon. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। यस, यही मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए, यही मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए। देखिए टॉरस, सबसे पहले बात आपकी लव लाइफ की करते हैं, मैं आपकी एनर्जी की भी बात करूँगी, लेकिन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, गाइडेंस के लिए तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ की बात करूं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्शन, कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आप ले रहे हैं। लव लाइफ कुछ मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी की चीटिंग्स मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, उनके पार्टनर चीट कर रहे हैं बेसिकली। या कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके, और बहुत ज़्यादा एज भी मुझे लगती नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। और कुछ लोगों के यहाँ पर ना मैरिड हैं आप लोग और बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ ना कुछ चीटिंग हर्ट हुआ है। आप बहुत अपने आप को ना स्टक फील करोगे, मतलब इन 15 दिनों में ना बहुत ज़्यादा स्टकनेस लग रही है, बहुत बोझ लग रहा है
बहुत ज़्यादा भार लग रहा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, आपको क्लियर दिख नहीं रही हैं कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, क्या चलेगा मेरी लाइफ में बेसिकली, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो मैसेज है ना क्लियर माय डियर, आपने जो भी पास्ट में डिसीजंस लिए हैं ओके, वो सही डिसीजंस नहीं रहे हैं, और वो जो डिसीजंस लिए गए हैं ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद के आपके पर्सनल डिसीजंस नहीं हैं, वो आपकी आपको किसी प्रेशर में वो डिसीजंस लेने पड़े जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। मैं नॉर्मल वे में ये बात कहूँगी, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रेशर पे, आप चाहे ऑफिस को ले लें तो कलीग्स हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकता है, सीनियर ऑब्वियस है कलीग्स नहीं सीनियर्स, परिवार वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है। कहने का मतलब जो भी डिसीजंस आपने लिए आप अपने आप को उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं डिसीजंस में ना आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये डिसीजंस ले लिया, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, अब इससे बाहर कैसे निकलूँ, और मुझे ये सब ड्रामा, ये सारी चीज़ें मुझे एंड करनी है और मुझे एक न्यू स्टार्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पास्ट मुझे अपनी तरफ खींचता हुआ लेकर जा रहा है, जिस वजह से कि मैं अपनी लाइफ के हर एरिया में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। पास्ट का इम्पैक्ट आपका आप पर बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई कुछ भी पास्ट आपका कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ऑलवेज मैं बोलती हूँ, कोई सिचुएशन, कोई आदत, कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, वो आप पर इस समय बहुत प्रभाव डाल रहा है, एक किस्म का आप अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हो कि ये पास्ट ने तो मुझे पूरा दबोच रखा है और मुझे इससे बाहर आना है। इस समय क्या नज़र आ रहा है पता है, कि पास्ट की जो भी सिचुएशंस रही है ना, वो आप पर हावी हो रही हैं, ये तो अभी तक रही नेगेटिव बात, गाइडेंस भी है, डोंट वरी, गाइडेंस को फॉलो करोगे तो निकल जाओगे ओके, लेकिन पास्ट डेफिनेटली आप पर बहुत हावी हो रहा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो आपकी ग्रोथ में ना आपको बस पुल बैक कर रहा है। तो ये वक्त है उस पास्ट को टाटा बाय बाय कहने का, उसे रिलीज करने का और अपने अंदर उस पावर को जगाने का। देखिए मे बी आप लोग एज में छोटे हों, कुछ लोग हो सकते हैं, या कुछ लोगों का ना ऐसा है कि आप लोग कुछ लोगों के प्रभाव में हैं, या आपकी कम चलती है, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी ज़्यादा चलती हैं, या आपके आसपास में कोई लोग कोई पर्सन है जिसकी ज़्यादा चलती हो, तो बेसिकली आप अपने इंडिपेंडेंटली आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। लेकिन डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं भाई, अगर इस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहते हो, अपनी लाइफ में उस सुधार को लाना चाहते हो, सबसे पहले तो अपनी अहमियत को समझो कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ना स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ कार्ड पता क्या बताता है कि आपके अंदर पता क्या पावर है, आप किसी से भी कुछ भी काम निकलवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, और वह बहुत ही, ये नहीं कि किसी को डांट डपट करके ना, बहुत ही कामली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, इतना माइंड आपका, आप बहुत इंटेलिजेंट बहुत हो, इंटेलिजेंट बहुत हो, वाइज बहुत हो, पीसफुली आप हर चीज़ों को, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। बस दिक्कत क्या है कि अपनी इस पर्सनालिटी को जगाने की या अपनी इस पर्सनालिटी को जानने की दिक्कत हो रही है कि आप उसमें आ नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी टॉरस, आपको हो सकता है कुछ लोगों के अगेंस्ट आकर के ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़े या कुछ डिसीजंस लेने पड़े अपनी लाइफ के, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खुद के डिसीजंस ना खुद लें। जब तक लोग आपकी लाइफ के डिसीजंस लेते रहेंगे तब तक आप ट्रैक पर नहीं आ पाओगे, यहाँ पर दिक्कत यही है। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सभी सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हो, आप आगे ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जिस सिचुएशन में भी स्टक फील कर रहे हो, उसे बाहर आना चाहते हो, तो अपने खुद के डिसीजंस खुद लो। तो ये जो मैं कहूँगी 15 डेज है ना, आपको अपने अंदर की उस पावर को जगाना है। खासकर रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, कि किसी
ये ना कुछ इस तरह का है आपके साथ ना, जैसे कि कोई चीट कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है आपको, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे नज़र आ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर किसी के साथ कनेक्टेड हों, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चीटिंग वाइब्स हैं, आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको बहलाया फुसलाया जा रहा है, आपको इल्यूजन्स में डाला जा रहा है, ठीक है। तो अभी वक्त है वो जागने का और उस सिचुएशन से बाहर आने का, एक चेंज लाने का, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। ये ऊर्जा मांगती है चेंज लाने को, कि अभी ये जो ड्रामा क्रिएट हो चुका बहुत हो चुका, ये जो झूठ हो चुका वो बहुत हो चुका, अब वक्त है इस सिचुएशन से बाहर आने का। हाई पॉसिबिलिटीज हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है ना, आप लोगों का थोड़ा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वार्तालाप कम्युनिकेशन, हार्श कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन अपने आप अपने कर्मों पर ना पर्दा डालने की कोशिश करेगा, वो बहुत ही पॉलिटिकल बांच हो सकता है या सकती है, ठीक है। अगेन बोलूँगी, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दीजिए, सभी मत घुस जाइएगा इसमें जो चल रहे हैं आपके लाइफ में, ऐसा ना हो कि अच्छा खासा रिश्ता चल रहा हो डाउट करने लग जाओ। अगर जहाँ जिसे संदेह है, डाउट्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। और ऐसा भी मत कर लेना कि अच्छी भली फैमिली चल रही है, अच्छा भला रिलेशनशिप चल रहा है, अभी ये देखा तो तहस नहस कर डालो सब कुछ, डाउट्स करने लग जाओ, अच्छा आज लड़ाई हो गई हमारे बीच में तो भैया कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है बीच में। थोड़ा समझदारी लाओ, इमेच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ना है। अगर ऐसा करोगे ना तो अच्छे खासे रिलेशनशिप को तबाह कर डालोगे, तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे दो मैसेजेस हैं, कुछ लोगों के तो पार्टनर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ और आपको फूल बना रहे हैं, ठीक है, आपको घुमा रहे हैं बस। और कुछ के साथ जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, अगर कहीं डाउट है, कोई थर्ड पर्सन आपको देख रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, कोई आपके अराउंड में, आपकी लव लाइफ में, आपकी आपकी रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ना कोई ना कोई पर्सन है। अभी वो आपकी तरफ कोई हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से कोई हो सकता है, उसकी पूरी नज़र है आपके रिलेशनशिप पर, और वो बहुत खुश है कि जब आप लड़ते हो, वो बहुत खुश है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनके बीच में इल्यूजन्स पैदा हों और मैं अपना हाथ साफ करके निकल लूँ बेसिकली। और ये ऐसी चीज़ों में बहुत माहिर है, बहुत पॉलिटिकल बांच पर्सन है ये, जो थर्ड पर्सन है, जिसकी नज़र है आपके रिलेशनशिप में। तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी ना, अगर आपका रिश्ता पहले बहुत अच्छा था, अगर इक्का दुक्का कुछ होता भी है, क्योंकि मून की ऊर्जा है माय डियर, मन तो ऊपर नीचे होता रहता है, रिलेशनशिप है तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा समझदारी के साथ चलना है आपको, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। किसी पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा अगर करोगे ना, तो ये पर्सन तो भैया हाथ धो के निकल जाएगा, कहने का मतलब आप लोगों के बीच में और इल्यूजन्स को पैदा करेगा, जिस वजह से कि आपका रिश्ता खतरे में आ सकता है। तो जो भी करना है ना, थोड़ा समझदारी के साथ चलना है, समझदारी के साथ डिसीजंस लेने हैं, कि आप राइट पर्सन को हटाने के लिए डिसीजन लो, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है ये माय डियर, आप इसी वाइब्स में हो, लेकिन इमेच्योरिटी भी नज़र आ रही है यहाँ पर इमोशनली। देख लीजिए अगर करेक्ट है, अगर आपका पार्टनर ही आपसे चीट कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को यहाँ पे आउट करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं और आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इसी वाइब्रेशन में, आपके लिए कार्ड ही यही आया है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सही है ना, वाकई में आपके पर्सन की प्रॉब्लम है, आपके पर्सन ने ही सिलेक्ट करा है, आपका पर्सन ही आपसे चीट कर रहा है। अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जानबूझ करके कोशिश कर रहा है, उस वजह से अगर आप अपना रिश्ता ख़राब करने की कर रहे हो, उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, तो वो भी समझ जाओ कि आप रॉन्ग पर्सन को अपनी लाइफ से आउट कर रहे हो। असल में तो आपको उस पर्सन को आउट करना चाहिए अपनी लाइफ से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, ओके?
तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप जनरल रीडिंग देख रहे हैं ना, तो अपने अपने आँख और कानों को अच्छे से खोल लीजिए, साथ में दिमाग को भी खोल करके बैठिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेकर चले जाओ। रॉन्ग तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं होती है, ज़बरदस्ती अप्लाई किया जाता है लाइफ में, समझ रहे हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि एक जनरल रीडिंग है, जिससे रेजोनेट हो वही लो, बाकी सभी मत कूद पड़ो। तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है, अपने अकॉर्डिंग देखिए अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। और बेसिकली अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, खास करके ये जो थर्ड पर्सन है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई आपको आकर के बोल रहा है, पर्सन आपको आकर के कहता है कि जी आपका पर्सन जो है या आपकी पर्सन जो है उसको लेकर के ये दिक्कत है, तो आप बस उसी पर ही तुरंत एक्ट करने लग जाएं। अच्छा, इसने ऐसा करा है तो आज से मेरा और इसका रिश्ता ख़त्म। नो, जब तक आप चीज़ों की गहराई तक ना चले जाएं, क्योंकि इल्यूजन्स का कार्ड है यहाँ पर माय डियर। कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स दो मैसेजेस दे रहा है हमें, एक ये कि अगर आप कोई रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं तो वो आप पर बहुत भारी पड़ सकता है, आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। और अगर आप राइट डिसीजन लेते हैं तो आप एक मुश्किल सिचुएशन से एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ चले जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अपनी इंटेलिजेंस को जगाने की ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत समझदारी के साथ डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि डिसीज़न लेना है और आप जो डिसीज़न ले रहे हो ऑलवेज राइट होगा, माय डियर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी समझदारी से वो डिसीज़न ले रहे हो। ओके, यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके करियर में। तो कुछ चीज़ें देखिए आपके करियर वाइज आपको बहुत हर्ट कर रही हैं, करियर वाइज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत फ्रस्ट्रेट इरिटेट फील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। बेसिकली यहाँ मुझे आपकी लो वाइब्रेशन नज़र आ रही है कि आपने अपनी तरफ से बड़े एफर्ट्स कर दिए, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो उतने रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं, मुझे उतना आगे से आउटकम ही नहीं मिल रहा है, तो मैं तो हाथ छोड़ के बैठ रहा हूँ, अब मुझे नहीं करना। अब मुझे पहले वो ग्रोथ मिल रही थी लेकिन अब मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल रही, लेकिन मेरे एफर्ट्स उतने ही जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं करना है। तो यहाँ इस वाइब्रेशंस में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, अपने कर्मा को जो है ना एंड मत कीजिए, कहने का मतलब कर्म करना बंद मत कीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है आप थक गए हो, अब आप कह रहे हो कि नहीं बस हो गया जितना मैंने करना था, अभी इतने एफर्ट्स डाल लिए हैं लेकिन मुझे मेरा वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मुझे उतनी सफलता नहीं मिल रही है, मुझे उतना आगे से नहीं मिल रहा है फ्रूट्स, लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं आपको अपने कर्म नहीं रोकने हैं, आपको करते जाना है। अगर आप अपनी लाइफ में वो ग्रोथ चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो अपना कर्म करते रहो, उसको ब्रेक मत लगाओ, इरिटेट मत हो, अपने पर डाउट मत करो, गुस्सा नहीं हो, गुस्सा सबसे ज़्यादा लो वाइब्रेशन होती है माय डियर, तो गुस्सा नहीं होना है अपनी सिचुएशन को लेकर के। अगर आप ये कर्मास करते रहोगे तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, लेकिन ये वक्त ऐसा है, थोड़ा समझदारी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ये वाइब्रेशंस में हुआ, जो भी वाइब्रेशंस में हो ना, थोड़ा इसे हाई वाइब्रेशंस में करना है हमें। अभी हमें ये पता चल गया टॉरस की हमारी ये वाइब्स हैं इन 15 दिनों के लिए, अब हमें क्या करना है, हमें इस वाइब्रेशन में रहना ही नहीं, हमें तो अपनी वाइब्रेशंस को ही हाई करना है, तो फिर आप अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट करोगे डेफिनेटली, अब ये आपको देखना है। ओके, और हेल्थ की बात करूँ माय डियर, तो जितना आप नेगेटिव कम सोचोगे ना, उतना आप हेल्दी रहने वाले हो, अदरवाइज आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ सकती है नेगेटिविटी के कारण, क्योंकि इल्यूजन्स बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपका फोकस जा रहा है। माय डियर टॉरस, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके आगे के कार्ड्स रीडिंग कर दी और मुझे पता नहीं चला कि कब में कैमरा जो है ये ऑफ हो गया, आई मीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई, तो मुझे दोबारा से आपको वो मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो कार्ड्स आपके निकले हैं, क्योंकि शफलिंग के दौरान ही निकले हैं अभी अभी, जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैं यही मैसेजेस आपको देना चाहूँगी। ओके, तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे ना, अगर आप नेगेटिव सोचोगे बहुत ज़्यादा, तो
तो यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ खराब होने की मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितना आप पॉजिटिविटी में रहोगे, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस में रहने वाले हो ना, उतना आप हेल्दी फील करोगे, क्योंकि फिजिकल हेल्थ वैसे बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जहाँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पर्सन को, क्योंकि आपकी लाइफ में क्या है ना, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो सब जगह आपका फोकस जा रहा है, जिस वजह से कि नेगेटिविटी बहुत आ रही है कि इस तरफ ध्यान दूँ, उस तरफ ध्यान दूँ, कहीं पे भी 100% नहीं दे पा रहा मैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आना। तो आपको बोलना चाह रहा है, जितना आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, जितना आप पॉजिटिव वाइब्स में रहोगे, पॉजिटिव थॉट्स में रहोगे ना, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ आप नेगेटिव हो जाओगे, वो आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डालेगा। मेंटल हेल्थ तो खराब होगी होगी, फिर उससे फिजिकल हेल्थ भी आपकी खराब होगी। तो जितना पॉजिटिव रहें उतना ज़्यादा बढ़िया है, अगर नेगेटिव रहेंगे तो दिक्कत आ सकती है। और अगर हम गॉडेस गाइडेंस से बात करें, आपके लिए इनर गॉडेस का कार्ड है, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो ये आपको बोला जा रहा है आपको कि इनर गॉडेस को जगाने के लिए ये क्यों कार्ड आया है, क्यों? इसलिए क्योंकि आप लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, आपको बोला जा रहा है अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। तो यहाँ पर गॉडेस आई हैं आपको बताने के लिए कि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कैसे कर सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग हैं ना जो अपने को नेगेटिव टॉक करते हैं, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी, मेरी फिगर अच्छी नहीं है, मैं बहुत पतली हूँ या पतला हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ या मोटी हूँ, तो माय डियर आपको बोला जा रहा है आपके लिए ना जो मिरर थेरेपी है वो बहुत अच्छा काम करेगी। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को एफिर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव। आई एम ब्यूटीफुल, माई आईज़ आर ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, मतलब मेल्स के लिए तो यही आएगा ना, अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगे। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आई एम कैपेबल, आई एम अबंडेंट, आई एम वर्दी, इस तरह के एफर्मेशंस आपको देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, पैम्पर कीजिए अपने आप को। डांस क्या होता है, डांस का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। डांस मूवमेंट होती है, जब आप अपनी बॉडी के अंदर उस मूवमेंट को लेकर आते हैं ना, जब आप डांस करते हो, आपने देखा आप कितनी हाई वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। और डांस भी हम तभी करते हैं जब हम खुश होते हैं। तो बेसिकली वो एक प्रोसेस है, वो एक एक्सरसाइज है अपने वाइब्रेशंस को हाई करने का, जब हम लो वाइब्रेशंस में होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको डायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, जो कर सकते हैं। अगर आपको डांस करके हाई वाइब्रेशंस में आते हो, आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, तो वो कीजिए, अपनी केयर कीजिए, पैम्पर कीजिए। पैम्पर करने से किसको खुशी नहीं मिलती है, अपने अपने नेल्स को देखना, नेल्स के का ध्यान रखना, हेयर कट कराना, कलर कराना, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। अपने पर ध्यान दीजिए, कहाँ क्या मतलब नरिशमेंट की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, उस पर फोकस कीजिए बेसिकल। फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, आपको कितना अच्छा फील होगा। इन इन मैसेजेस को ना हल्का नहीं लेना है माय डियर, आपको इन्हें थोड़ा सीरियस लीजिए अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस बहुत स्ट्रांग होती हैं और आप ही की रीडिंग को लेकर के ही ये गाइडेंस डिवाइन दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। ओके और अगर हम यहाँ पर बात करें यूनिकॉर्न कार्ड्स की, तो यहाँ तो आपके लिए विशेष का ही कार्ड है, और आपको यहाँ पर अवेयर किया जा रहा है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप मांग क्या रहे हैं। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं मांगना है, क्योंकि आपकी विश पूरी हो सकती है, होने वाली है। आपको बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स पर, अपने वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आप क्या बोलते हो, आप बोल क्या रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, खासकर अपने आप को क्या बोल रहे हो, अपने किसी रिश्ते के बारे में आप क्या बोल रहे हो, अपने करियर के बारे में क्या बोल रहे हो। पॉजिटिव एफर्मेशंस याद रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस आपके लिए अमृत है, मैजिक है, वो बोलेंगे तो आप आगे ही बढ़ेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नेक्स्ट है आपके लिए रिवीलिंग रेडियंस, माय लाइट एलुमिनेट्स द वर्ल्ड।
गिविंग बर्थ, आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू एंड डायनेमिक एनर्जीज इन टू द वर्ल्ड. अगेन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी पावर को समझो, अपनी लाइट को ना बाहर आने. तो मैंने बोला ना आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर है, आप इतने ग्लोइंग हो. आप हीलर्स हो सकते हो, डॉक्टर्स हो सकते हो, कुछ भी, आपके अंदर ना वो पावर है. जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ, लॉयल्टी के साथ, खासकर अपने साथ ट्रुथफुल होकर के अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप अपनी लाइट को यूँ बिखेरते जाएंगे और आपकी लाइफ से, आपकी लाइट से ना लोग भी इफेक्टेड होंगे. बेसिकली जो आप देखोगे ना वो आपका ही रिफ्लेक्शन होगा, जो आप पाओगे ना वो आपका ही रिफ्लेक्शन होगा. अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे बर्थ की एनर्जी है, अगर आप चाहते हो ना कि सभी समस्याएं, आपकी सिचुएशंस हील हो जाएं, या मैं कहूँगी एक न्यू स्टार्ट आप चाहते हो, तो उस वाइब्रेशंस पर आपको वर्क करना है. उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता तो आपके अंदर ही है ना. आप कैसे, जब तक आप थॉट्स नहीं लाओगे, उस एनर्जी में टैप इन नहीं करोगे, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी आपकी लाइफ में. तो यही आपको वो मैसेजेस दे रहे हैं. और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है लिसनिंग विद योर हार्ट माय डियर. I trust the messages I receive from my heart. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपका दिल जो कह रहा है ना उसे सुनिए. आपके हार्ट मैसेज दे रहा है, आपकी डिवाइन टीम आपको आपके हार्ट के थ्रू. कभी होता है ना कि मेरा दिल तो ये कर रहा है करने को, मेरा मन कर रहा है ये करने को, हम बोलते हैं या कभी कहते हैं कि मेरा दिल गवाही नहीं देता ये करने को. तो वही बात है, आपके दिल के थ्रू आपकी जो डिवाइन टीम है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो काम कर रही है, वो आपको मैसेजेस दे रही हैं. उन्हें रिसीव कीजिए, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने अंदर वो बैलेंस लेकर आ पाएंगे, अपनी इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे. बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा रोना धोना, सेंसिटिव हो जाना, समझ रहे हैं, उन सिचुएशंस में क्या होगा कि आप अपने दिल की आवाज़ को ही नहीं सुन पाओगे. आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि मेरा ये दिल बोल रहा है या मेरा दिमाग बोल रहा है. तो यही बात आपको भी समझाई जा रही है. मैंने बोला है ना कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कम्युनिकेटिंग फ्रीली. तो अपने आप से आप कैसी टॉक कर रहे हो, क्या बोल रहे हो अपने आप को, उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है. बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल है. भले ही आपकी रीडिंग नीचे की जैसे भी आई हो इन 15 दिनों की, लेकिन जो गाइडेंस दी जा रही है ना वो इतनी हाई वाइब्रेशनल है कि जैसे कि आपके हाथ में ही वो चीज़ है, आप उसे पलट सकते. तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है. ये कार्ड इनफ है आपको बताने के लिए. आपके अंदर वो पावर है, लाइन को शांत करना आसान नहीं है, समझ रहे हैं आप, वो भी इतना पीसफुली, और वो कंट्रोल में भी आ रहा है, देख रहे हैं आप. तो यही बात है, इस पर ध्यान दीजिए. होप आपको ये गाइडेंस, ये मैसेजेस अच्छे लगे हो, मिले हो, और आप उन पर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.